सभी देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। देखते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबरें। बॉलीवुड स्टार्स मना रहे हैं योग दिवस। 21 जून यानी आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। इस साल कोरोना वायरस की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक आयोजन के बजाय घर पर रहते हुए डिजिटली योग दिवस मनाने का आवेदन सबसे किया है। ऐसे में आम जनता के साथ साथ बॉलीवुड की हस्तियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अपने फोटो और वीडियो शेयर कर लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। इस बार आयोजन की थीम घर पर करें योग और परिवार के साथ करें योग रखी गई है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, मलाइका अरोड़ा, तापसी पन्नू संग अन्य सेलिब्रिटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी, साथ ही योगा करते हुए वीडियो भी शेयर किए। तो किसी ने कोरोना वायरस को हराने के लिए योग करने का संदेश भी दिया। तो वही आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ साथ फादर्स डे भी है। इस खास मौके पर रिद्धिमा कपूर ने भी अपने पिता एक्टर ऋषि कपूर को याद किया। हालांकि ऋषि कपूर अब इस समय इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार और बच्चों ने उनके साथ बिताए पलों को आज भी तस्वीरों में सहेज कर रखा है। रिद्धिमा कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई फोटो शेयर की है। तो वही अजय देवगन ने अपने पिता वीरू के साथ बॉक्सिंग रिंग में बात करते हुए फोटो शेयर की है। फोटो के साथ उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर की है। साथ ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स ना चलने के चलते मान्यता और उनके बच्चे अब भी दुबई में हैं। तो वही संजय दत्त मुंबई में मौजूद है। फादर्स डे के मौके पर संजू अपने बच्चों को काफी मिस कर रहे हैं। अभिषेक बच्चन की वेब सीरीज का टीजर हुआ रिलीज। फादर्स डे के मौके पर अभिषेक बच्चन की वेब सीरीज का टीजर रिलीज हुआ है। इस टीजर में एक पिता अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा है। कुछ एनिमेशन से भरे विजुअल के बीच बैकग्राउंड में अभिषेक बच्चन की आवाज सुनाई देती है। इस वेब सीरीज का ट्रेलर 1 जुलाई को रिलीज होने जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।